नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से शिमला वापस आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सुक्खू का शिमला आगमन स्थगित हो गया है। इसकी जानकारी प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने दी है। दिल्ली में आज खराब मौसम के कारण सीएम सुक्खू का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। अब मुख्यमंत्री का शनिवार को शिमला में आगमन अपेक्षित है। अभी जो स्ट्रिक्टली हमने ब्यास बेसिन में जो माइनिंग है वो कंप्लीट बैन की है, और ये बैन पूरे हिमाचल प्रदेश में 15 सितंबर तक होता है। फॉरेस्ट का हमने कंप्लीट बैन किया है। फॉरेस्ट का कंप्लीट बैन क्या किया है कि जो फॉरेस्ट की लकड़ी है अब वो प्रदेश से बाहर नहीं जाएगी। ये जिम्मेवारी ज्यादा आ गई कि जो किसान की फसल निकले उसके लिए मशीन लगानी है, कुछ करना है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है, और जहां क्लोड बस्ट आ रहा है वहां हमने हेलीकॉप्टर की सेवा भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है। हिमाचल प्रदेश में कर्ज को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है, और इसके तरफ जहां बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर 10 महीने में 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेने के आरोप लगाए हैं, वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया और बीजेपी पर हिमाचल को कर्ज में डूबने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 45,000 करोड़ से 75,000 करोड़ तक कर्ज पहुंचा दिया है। वहीं प्रदेश में स्टोन क्रैशर पर लगे प्रतिबंध जल्द हटाए जा सकते हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि स्टोन क्रैशर को व्यास नदी के किनारे प्रतिनिधित्व किया गया है, जहां स्टोन क्रैशर बंद करने के कारण मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में मैचलिंग का काम प्रभावित हो रहा है। उसको सुचारू करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इससे हम भी नुकसान हो रहा है। क्रैशर पर बैन को जल्द ही हटा दिया जाएगा। नहीं देखो, लोन लेना तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने भी 46,000 करोड़ रुपए से वो लोन को 75,000 करोड़ पे पहुंचाया है। आज हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य नहीं है, लोन लेना हमारी मजबूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली जयराम सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी है सरकारी कर्मचारियों की, जो इनका डीए है, डीए के एरियर्स हैं और 6th पे कमीशन की देनदारी, वो हम पे छोड़ी है। अब वो चुकाने के लिए, कर्मचारियों को चुकाने के लिए हमको लोन लेना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है। और ठीक है, इस प्रदेश, हर प्रदेश सरकार को लोन लेना पड़ेगा, मगर हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को, और मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि आने वाले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, और इसलिए हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया। मुख्य संसदीय सचिव मामले में कांग्रेस को फिर से बड़ा झटका लगा है। सीपीएस मामले में कांग्रेस की तरफ से ट्रांसफर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीपीएस मामले में हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, पर उन्हें राहत नहीं मिल पाई। इस मामले की सुनवाई हिमाचल हाईकोर्ट में पहले से चल रही थी, जिसकी सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने इस फैसले को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा झटका बताया है। कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कांग्रेस को ही बड़ा झटका दिया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल शिमला सीपीएस मामले में ट्रांसफर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, और जिस पर कांग्रेस सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि आपको बता दें कि अब सुनवाई जो है वो 7 दिसंबर को होनी है। शिमला सीपीएस मामले में ट्रांसफर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिस पर कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको जानकारी देते हुए बता दें कि अब जो सुनवाई है वह 7 दिसंबर को की जाएगी। सोलन में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच दीपावली पर 70 जवान संभालेंगे यातायात व्यवस्था का जिम्मा। आपको बता दें कि यातायात को सुचारू रखने के लिए 70 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जो 24 घंटे अपनी सेवाएं देंगे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से सादे लिबास में पुलिस के जवान भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त करेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल शहर में तैनात की गई है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उप पुलिस अधीक्षक भीष्म ठाकुर ने बताया कि दीपावली के मौके पर यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे, जाम न लगे, इसके लिए 70 जवान तैनात किए गए हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब धनतेरस और दिवाली के दौरान काफी मात्रा में रश होता है। इसकी व्यवस्था करने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए 15 जो पॉइंट शहर के अंदर है वो जो चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पे जो है सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे तक जो है ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कांस्टेबल खड़े रहेंगे और सुचारू रूप से यातायात सुविधा यातायात को चलाएंगे। खरीदारी करने के लिए लोग आएंगे गांव से और शहर से, उनको भी एक सुनिश्चित स्थान दिया गया पार्किंग के लिए। और हमारा मोटो यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा के लिहाज से व यातायात की लिहाज से सुरक्षित स्थान पर जो उनकी गाड़ियाँ पार्क की जाए। चलान हमारा मोटिव नहीं है कि हम किसी की गाड़ी का चलान करें। दीपावली पर्व पर राजधानी में पटाखा बाजार सजने आरंभ हो गए हैं। राजधानी शिमला में जिला प्रशासन ने पटाखों के लिए 14 स्थान चिन्हित किए हैं। शिमला के लक्कड़ बाजार में स्थित आइस स्केटिंग रिंक, संजोली और बालूगंज के अलावा उपनगरों में पटाखा बाजार सजना आरंभ हो गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पटाखों के लिए चयनित स्थानों पर लगे स्टॉलों से खरीदारी कर सकते हैं। वहीं प्रशासन ने पटाखे जलाने का समय 2 घंटे रात 8 से 10 बजे तक निर्धारित किया है। वहीं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि प्रत्येक साल की तरह पटाखों की बिक्री के लिए जगह चयनित कर लिए गए हैं। वहीं राजधानी शिमला में 14 जगहों को पटाखा बिक्री के लिए चिन्हित किया गया है। पीडब्ल्यूडी और अग्निशमन विभाग को व्यवस्था करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। दिवाली का त्यौहार आते ही पटाखा बाजार अब सजने लगे हैं। जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शिमला में अब पटाखों के बाजार लगाए गए हैं, जिसको देखते हुए वहां पर सुरक्षा भी तैनात की गई है। त्योहारी सीजन को देखते भारी भीड़ भी पटाखों के बाजार में उमड़ रही है। ये तस्वीरें सीधा शिमला से हैं। शिमला में पटाखों के बाजार लग रहे हैं और लोगों की उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग पटाखों के बाजार में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीर आपके स्क्रीन पर शिमला से आ रही है, जहां दिवाली को लेकर खासा उत्साह है। दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगानी शुरू कर दी है। पटाखों को लेकर लोगों में भी उत्साह है, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं भारी संख्या में और पटाखे बाजार सजने शुरू हो गए हैं। दिवाली त्योहार है 2 दिन में, जिसको लेकर शिमला में पटाखे के बाजार सजने शुरू हो गए हैं। तो शिमला शहर में जो है 14 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें हमारा आइस स्केटिंग रिंग है, हमारा बालूगंज का एरिया है, समर हिल का एरिया है, और ऐसे मतलब टोटल 14 जगहों को शहर में आइडेंटिफाई किया गया जहां पे पटाखे बेचे जाएंगे। ये खुले स्पेसेस हैं। यहां पे जो पीडब्ल्यूडी को भी कहा गया है कि वो वहां पे व्यवस्था रखे, और फायर को भी कहा गया कि वो अपने जो नजदीक में जाकर वहां व्यवस्था रखे, ताकि कभी अगर आग भी लगती है तो वो आग पे काबू पाया जा सके। इसके अलावा जो जो अगर पटाखे जलाने की टाइमिंग की बात है, तो वो हमेशा की तरह जो है 8 से 10 बजे के बीच में ही जो है लोग पटाखे जला सके। शिमला में धनतेरस के दिन सुबह से ही बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है। शुक्रवार को राजधानी के लोगों समेत ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बाजार में खरीदारी करने पहुंचे। वहीं दीपावली से पहले इस धनतेरस पर्व के दिन मान्यता है कि इस दिन खरीदारी शुभ मानी जाती है। आपको बता दें कि आपदा के बाद भी लोगों में खरीदारी के लिए खासा उत्साह देखा गया है। वहीं आपको बता दें कि धनतेरस पर नई चीजों की खरीदारी का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है, उसके घर पर सुख और समृद्धि आती है। वहीं धनतेरस पर खरीदारी करने आए दीपिका ने कहा कि वे दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्हें शिमला में धनतेरस मनाने का मौका मिला है। उन्होंने आगे कहा कि आज के दिन खरीदारी का विशेष महत्व है। वहीं कारोबारियों ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा के बाद भी लोगों में त्योहारों के प्रति खास उत्साह है, लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही कहा कि इस दिन सोना चांदी के गहनों के साथ सिक्कों और कांस्य के बर्तनों की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। मुझे धनतेरस यहाँ मनाने का मौका मिला। इतने सुंदर सुंदर बाजार है और ये लोअर मार्केट है शिमला का, बहुत ही सुंदर सजाया गया है धनतेरस के दिन। दिए भी मिल रहे हैं, बर्तन भी मिल रहे हैं, और आज के दिन जो परंपरा है धनतेरस में बर्तन खरीदने की, लोग खरीदते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सवेरे सवेरे ही आ गई हूँ यहाँ, ताकि मैं अच्छे से टाइमली बर्तन खरीद के घर जा सकूँ। ठंड भी आज बहुत हो रही है, तो मैंने अभी ही खरीदारी शुरू कर दी है। लोगों पे बर्तन लेने का वो है, आज तो शुभ माना जाता है लोगों के लिए। आज धनतेरस के दिन बर्तन लेना शुभ माना जाता है, तो हर एक आदमी बर्तन लेने की डिमांड करता है। हमारे को बुक करा के जाता है कि हम आज ही नहीं आएंगे, जो अब सा पित्तल।
कांसे की थालियां, कटोरियां, गिलास, पित्तल के पतीले, पित्तल के परात, इन चीज की ज्यादा डिमांड होती है, या फिर आपके सोने की आइटम होगी, इन चीजों की डिमांड कस्टमर इसलिए लेता है कि दिवाली वाले दिन ये सोचती है रेट में कि वो अपना बजट बना करके मैं ये चीज नहीं लूंगा, कांसे का माल हो गया, बड़ी आइटम्स हो गया, उनके उनका बजट दिवाली वाले दिन नहीं होता इनका। अच्छा, शुभ माना जाता है। तो लोग क्या पसंद करते हैं? कॉइन्स हो गए, बर्तन हो गए, चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के, लेकिन अच्छा ही रहेगा लोगों का फेस्टिवल सीजन। जैसे फेस्टिवल सीजन है, कैसा लग, कैसा ठीक रहेगा? ठीक रहेगा, लोग थोड़ा उभर गए आपका। लोग क्या खरीदना, चांदी के सिक्के? चांदी के सिक्के हो गए जी, और बर्तन हो गए। खबर हिमाचल प्रदेश के सौजन जहां से हैं, जहां सौजन्य से राजस्थान के जयपुर में आयोजित लोक रंग उत्सव 2023 में सिरमौरी लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय स्तरीय लोक उत्सव में भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से आए सांस्कृतिक दल अपने अपने राज्यों के लोक नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आसरा संस्था के कलाकारों ने इस उत्सव में बिहारी लाल शर्मा सहायक निदेशक भाषा और संस्कृति विभाग के निर्देशन में और जोगेंद्र हावी के नेतृत्व में शुरू विषय परम्परा के अंतर्गत गुरु विशेषज्ञ के खास कार्यक्रम किया। वहीं उन्होंने नृत्य विधाओं की प्रस्तुति देकर जयपुर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। हम धन्यवादी हैं हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग के, जिनके सौजन्य से हमें जयपुर में हो रहे लोकरंग उत्सव 2023 में सिरमौरी नाटी और सिंटू नृत्य के प्रदर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ। हजारों दर्शकों ने इस कार्यक्रम को देखा और सराहा और इसका आनंद लिया, और हमारे लोक कलाकारों ने भी विभिन्न राज्यों से आए अनेकों सांस्कृतिक दलों के कार्यक्रम को देखा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर से मिलेंगे इसी समय इसी जगह। फिलहाल लेंगे आपसे विदा, नमस्कार।